नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइक्ता। आखिरकार इजराइल में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया और दो पार्टियों के बीच समझौता हो गया है कि मिलकर सरकार चलाएंगे। इस समझौते के तहत इस गठबंधन सरकार में नेतन्याहू 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद ये पद बेनी गांस को मिलेगा। इस मौके को भुनाने के लिए और अपनी दोस्ती और गहरी करने के लिए अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को इजराइल भेजा है। पोम्पियो बुधवार को ही इजराइल पहुंच गए। पोम्पियो इस दौरान वेस्ट बैंक में बसाई गई यहूदी बस्तियों को इजराइल में मिलाने पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में पोम्पियो की इस यात्रा में ईरान के साथ पॉलिटिकल टेंशन पर भी चर्चा होगी। एफए न्यूज ने बताया कि बुधवार को माइक पोम्पियो एक छोटे से दल के साथ इजराइल पहुंचे। इस दौरान वो अमेरिका के झंडे का मास्क पहने हुए थे। वो यरूशलम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गांस से भी मिलेंगे। नेतन्याहू और गांस दोनों मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने कहा कि पोम्पियो की इस यात्रा में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ समझौता होने के बाद इजराइल की संसद स्पीकर और विपक्ष के नेता बेनी गांस ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इजराइल के पूर्व सैन्य प्रमुख गांस ने ये कदम नेतन्याहू के साथ नए गठबंधन सरकार बनाने के ठीक पहले उठाया। इस सरकार की अगुवाई नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और गांस की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये खुशी की बात है और कैसे नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।